हेलो गाइस, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइट सोप के एपिसोड 2 को। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम सेवन ही होता है, जो एक स्क्रीन राइटर होती है। सेवन ही आप एक विला में शिफ्ट होना चाहती है और रूम को देख रही थी, साथ में आप लैंडलॉर्ड भी होता है। सोनी अपनी से बात करती है और रूम के बारे में पूछती है। आदमी पर बता रहा होता है कि यहाँ पर कितने रूम हैं और कितनी विंडो हैं। सेवनी कहती है कि क्या इस जगह पीसफुल है। आदमी अपना हाँ बताता है। सेवनी बाद में डोर को ओपन कर रही थी लेकिन ये ओपन नहीं होता। बाद में आदमी से पूछती है, आदमी कह रहा होता है कि तुम अभी इसका यूज नहीं कर सकती हो, वैसे अगर तुम्हें इस जगह पसंद है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देना चाहिए। सेवनी ने बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। आदमी बाद में इस सामान को सेट कर रहा होता है और यहाँ पर इसकी हेल्प करता है। बाद में सोनी अपने कील को ठोकती है लेकिन इसके अंगूठे में चोट लग जाती है, लेकिन किसी तरह सोनी अपना काम कर देती है और बाद में मिरर को यहाँ पर टांग देती है, फिर अपनी बुक को भी यहाँ पर सेट करती है। आदमी ने साथ में ये भी कहा था कि पास में गली भी है। सोनी साथ में अपने बाथरूम को साफ करती है। बाद में शाम को गली में एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम जी यूंग होता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। ये यहाँ पर गाना गा रहा था और गली में से जा रहा होता है। अभी गाना क्यों गा रहा है इसके बारे में बाद में पता चलेगा। सोनी भी अपने रूम में होती है और अपना काम कर रही थी। बाद में गाने को सुनती है और अपने आप से यह कहती है कि उसने कहा था कि यह जगह पीसफुल है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जियोंग भी गाना गाते गाते यहाँ पर लाइट शॉप के पास आ गया था और बाद में वोनियंग को देख रहा होता है, जो शॉप के अंदर होता है। वोनियंग बाद में इसको देखने वाला होता ही है लेकिन जियोंग चला गया था। वही हम सोनी को देखते हैं जो अपना काम करते करते सो जाती है। तभी हम इसकी शैडो को देखते हैं और यहाँ पर किसी और की भी शैडो होती है। तभी अचानक से यहाँ पर लाइटें चली जाती हैं, यानी कि यहाँ पर बल्ब बंद हो गया था। विंडो के पास यहाँ पर कोई होता भी है और बाद में चला गया था। तभी हम यहाँ पर बल्ब को यानी कि लट्टू को देखते हैं। इसके अंदर जो फिलामेंट तार होता है वह अचानक से टूट जाता है। अगले दिन जीवन को देखते हैं, जो अपने स्कूल से आता है और यहाँ पर गली को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा था कि आज तो बारिश भी हो रही है और यह गली बहुत ही डरावनी लग रही है। वही हम सोनी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपना राइटर का काम कर रही थी, लेकिन तभी बल्ब बंद हो गया था। सोनी बाद में शोन करने का ट्राई करती है लेकिन नहीं कर पाती। बाद में दूसरी लाइट भी ऑफ हो गई थी। सोनी बाद में मीटर को चेक करती है लेकिन कुछ नहीं होता। सोनी अपने आप से कहती है कि यह घर बहुत ही पुराना है, कई इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अगले इसमें एमजी को देखते हैं, जो अपने हॉस्पिटल में होती है, साथ में और भी नर्स होती हैं। डॉक्टर यहाँ पर आया हुआ था और पेशेंट को चेक कर रहा होता है लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तभी पास में पेशेंट होता है, वो चिल्ला रहा होता है, तुम कौन हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर ये अपनी इसको देख रहा होता है लेकिन ये अपनी ही होती है और ये कहती है कि एक शराबी है, ये ऐसा करता रहता है। डॉक्टर बाद में हीओ से कह रहा होता है कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। हीओ कहती है कि हम आईसीयू में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता। डॉक्टर कह रहा होता है कि नर्स यहाँ पर बहुत ही कम है, मैं और नर्सों से बात करूंगा और यहाँ पर उनको अपॉइंट करूंगा, क्या कुछ हो रहा है जो तुम कहना चाहती हो। हीओ कहती है कि बाहर पेशेंट की गार्डियन आए हुए हैं, बाद में से बाहर आ गए थे। वुमन यह कहती है कि वो कैसा है, लेकिन अब डॉक्टर ने कह दिया था कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, उसके दिन बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अब यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वुमन रो रही होती है और यह कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको उसे बचाना चाहिए। अगले इसमें सोनी को देखते हैं, जो अपने रूम में होती है और अपने बाल सुखा रही थी, लेकिन ये बार बार बाहर देखती है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझको देख रहा है। अगले इसमें एक छोटा सा पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम जी वुन को देखते हैं जो गली में से जा रहा होता है और साथ में गाना गा रहा था। अब भी गाना इसलिए गा रहा है क्योंकि इसे डर लग रहा है और इस डर को भगाने के लिए गाना गाता है। हालांकि ये सीन हमने अभी तक नहीं देखा है तो मैं पास्ट का सीन क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जीवन ने आगे किसी को देख लिया था जो कि आगे यहाँ पर हिंजू होती है, इसके हाथ में फोन भी होता है और हिंजू बाद में से भाग गई थी। हम ये सीन पहले देख चुके हैं। वही हम सोनी को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी गली में कोई गाना गा रहा होता है जो कि जीवन होता है। सोनी अपने आप से यह कहती है कि फिर से शुरू हो गया है। बाद में अपन लाइटें भी चली गई थी लेकिन तभी सोनी पास के रूम में अपन ये देखती है कि यहाँ पर लाइट अब भी होती है। सोनी बाद में रूम के पास आती है और डोर को ओपन करती है और बल्ब को ऑफ कर देती है। इसी टाइम पास से गली में से जीवन जा रहा होता है और देख लेता है कि बल्ब बंद हो गया है। तभी विंडो से बात सोनी आती है और इसे यह कहती है कि यह तुम यह रोज यहाँ पर गाना गाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी जीवन कुछ देख लेता है और यहाँ से भाग गया था। सोनी भी डोर को बंद कर देती है और चली जाती है, लेकिन तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि बल्ब फिर से चालू हो गया था। अगले इसमें एंगजी को देखते हैं जो कि अब रेस्ट रूम में आती है और बैठी हुई थी और पेशेंट के बारे में चिंता करती है। तभी बार को यह आ गया था। एंगजी कहती है कौन है, क्या तुम गार्डियन हो, महिला भी यहाँ बढ़ती है और यह कहती है तुम इसे क्यों नहीं बचा सकते। और डॉक्टर ने यह क्यों कहा कि वो पेशेंट पर डिपेंड है,
क्यों मरेगा या फिर नहीं मरेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पेशेंट तो बेहोश है। यंगजी कहती है कि मैं एक नर्स हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानती कि कैसे पॉसिबल है, और मैं इसको जानने के लिए क्यूरियस हूँ। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा कि इसे बचा लो, लेकिन डॉक्टर ने सेम बात कही थी कि तुम्हारी बेटी पर डिपेंड करता है कि वो बचेगी या फिर नहीं बचेगी। मेरी माँ भी समझ नहीं पाई कि डॉक्टर क्या कह रहा है, लेकिन उसने हर रोज़ गॉड से प्रे की और मैं किसी ने किसी तरह बच गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। इसलिए हमें सिर्फ वेट करना होगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन तभी लाइटें बंद होने लगी थी। महिला डोर पर पीट रही होती है और यह कहती है कि उसको बचा लो, साथ में ऊपर भी आ जाती है। जियेंगी आपकी इसको देखती है, लेकिन बाद में सभी शांत हो गया था। बाहर वर्कर होती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। जियेंग बाद में बाहर आती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, फिर ये चली जाती है। अगले समय इंजू को देखते हैं जो अपनी क्लास में होती है, साथ में और बच्चे होते हैं, टीचर भी यहाँ पर होती है। टीचर या प्रिंसिपल से यह कहती है कि मीटर आने वाले हैं, क्या तुम सही पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे भी यहाँ पर हाँ मरते हैं। बाद में क्लास पूरी हो जाती है और ये जा रहे थे। इंजू भी एक फ्रेंड से बस हुई हुई थी, इसका नाम यूटेम होता है। एक फ्रेंड यह कहती है कि क्या हमें जवाना चाहिए, लेकिन दूसरी बना कर देती है और बाद में चले गए थे, लेकिन यहाँ पर इंजू ऐसा नहीं करती। और यूटेम से कहती है क्लास पूरी हो गई है चलो चलते हैं, लेकिन यूटेम कहती है कि मैं नहीं जाने वाली। बाद में इसको देखती है और कहती है तुम अति प्रीटी हो, मैं 10 मिनट और सोने वाली हूँ। हेंजू बाद में चली जाती है। हेंजू बाद में गली के पास आ जाती है और अपने टॉर्च को चालू करती है जो कि वोन यंग ने दी थी। बाद में गली में से जाती है, लेकिन तभी किसी को देख लेती है, इसने यहाँ पर ढील पहनी हुई थी। बाद में इसको बोलती है और ये हाई वोन होती है जो हमने एपिसोड 1 में देखी थी। हेंजू अपने इसके पास आती है और अम्ब्रेला को लगाती है। हाई वोन कहती है तुम कौन हो। हेंजू कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाई वोन कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो। हेंजू कहती है कि मैं लाइट शॉप में जा रही हूँ। हाई वोन कहती है वहाँ पर क्या करने वाली हो। हेंजू ने कह दिया था कि मेरी माँ ने मुझे काम दिया है, उसी को करने के लिए जा रही हूँ। बाद में दोनों साथ में जा रहे थे। हाई वोन साथ में से यह कहती है तुम कहाँ पर रहती हो। हेंजू ने बता दिया था कि मैं इस अपार्टमेंट में रहती हूँ। तभी हेंजू कुछ नोटिस करती है कि हाई वोन के बाल ऊपर जा रहे हैं, हालांकि इसको नहीं पता है कि इसका नाम हाई वोन है। इसके पाँव भी लंबे हो जाते हैं और ये मुझे बड़ी हो जाती है। बाद में इसको टॉर्च से देखती है और हेंजू डर गई थी। बाद में वोनियंग के सीन को याद करती है। वोनियंग ने कह दिया था कि अगर तुम उनको देख लो तो ऐसे प्रेटेंड कर रहा कि तुमने कुछ नहीं देखा। बाद में आप ऐसे करती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। बाद में इसके पास ही चली जाती है, लेकिन पीछे देखती है और हाई वोन इसके पास आ रही थी जो कि बहुत ही बड़ी हो गई थी। हेंजू बाद में भागती है और चिल्लाती है। शॉप में वोनियंग बैठा हुआ था और इसकी आवाज़ सुन लेता है। बाद में शॉप से बाहर आता है। हाई वोन भागती हुई उसके पास आती है और बाद में महिला को दिखाती है। वोनियंग कह रहा होता है तुम अपनी माँ के पास जाओ। बाद में हेंजू चली जाती है। वोनियंग अब हाई वोन को देख रहा होता है जो इसके पास आ रही थी। तभी वोनियंग ग्लासेस को उतार देता है। हाई वोन बाद में वापिस चली जाती है, वो छोटी हो जाती है। यह भी अपनी ग्लासेस को बाद में पहन लेता है। अगले समय यूटेम को देखते हैं जो स्कूल में होती है, वो सोई हुई थी। बाद में सुजाग आती है और यह कहती है कि उन्होंने मेरा वेट नहीं किया। तभी पास में एक लड़की को देखती है, उड़ गई थी। लड़की कहती है कि मैंने उसको देखा था, क्या तुमने भी उसको देखा है। अगले समय शोनी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, वो सोई हुई थी और ऊपर से कुछ टपक रहा होता है। अगले समय जियोंग को देखते हैं जो गली को पार कर रहा होता है, लेकिन तभी सामने जियोंग आ गई थी। जियोंग इसके पास आता है और अम्ब्रेला लगाता है और कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मेरा इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं था। आजकल कई लोग इस गली का यूज करते हैं। जियोंग कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जियोंग कह रहा होता है कि मैं लाइट शॉप में जा रहा हूँ, वहाँ से मैं अपने घर पर जा सकता हूँ, क्या तुम भी इसी ओर जा रही हो, क्या तुम मेरे साथ अटैक करोगी। बाद में दोनों साथ में जा रहे थे। अगले समय शोनी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, वो शावर लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर लाइट नहीं होती। बाद में टॉर्च को ले आती है और यह शावर लेती है। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि यहाँ पर किसी और के बाल होते हैं जो कि इसके ऊपर आ गए थे, लेकिन जब ये अपने बालों को सुखा रही थी तभी अब नीचे देख लेती है कि यहाँ पर नीचे बाल पड़े हुए हैं। इनको देख कर डर जाती है। तभी पास का बल्ब बंद हो गया था और ये चेक करने के लिए आती है। इसी दौरान डोर भी क्लोज हो गया था और ये डर जाती है। तभी यहाँ पर बल्ब ऑन हो जाता है। इसी टाइम घर के बाहर से जियोंग जा रहा होता है और साथ में जियोंग होती है। जियोंग इसको रोकता है और यहाँ पर यह बता रहा था कि इस गली में हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन एक दिन यहाँ पर लाइटें चालू हो गई। मैंने सोचा किसी ने यहाँ पर मुंह किया है, मैंने पिछली बार यहाँ पर एक लड़की को देखा था, लेकिन साथ में उसके साथ कोई और भी था। जियोंग कहती है कि क्या दोनों साथ में थे। जियोंग भी हाँ बोलता है। वही हम शोनी को देखते हैं जो घर के अंदर होती है और मिरर में यहाँ पर यह देखती है कि रूम में कोई आ रहा होता है और यहाँ पर इसको देख लेती है जो कि शायद कोई वुमन होती है। बाद में कुछ परिवेश सीन को देखते हैं जहाँ जब शोनी सोई हुई थी, जब ये शावर ले रही थी, तब यहाँ पर यह परछाई इसके साथ थी। शोनी अब अपने आप से यह कहती है
क्या पर घर की लाइटें जा नहीं रही थी, यह काम ही भूत कर रहा था। वही हिम्मत जे उनको देखते हैं जो कि जी उनसे बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि शायद वे दूसरे को जानते होंगे, हमें जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जी उसको पकड़ता है और कह रहा था कि मत जाओ, लेकिन तभी इसके नाखूनों को देखता है और नीचे गिर गया था, वो डर गया था। जियोंग कहती है क्या वो कह तुम हट हुए हो, तुम और मैं काफी हद तक एक जैसे हैं। बाद में शायद जियोंग कुछ कर देती है और जियोंग का पाँव टूट गया था इसलिए लंगड़ा कर चल रहा होता है। बाद में भाग रहा था और कह रहा था मुझे अपने घर पर जाना है। वही हम शोनी को देखते हैं, यह भी डोर को ओपन करने का ट्राई करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता, बाद में मिरर को तोड़ देती है। वही जियोंग भी भाग रहा होता है लेकिन वापिस वहीं पर आ गया था, ऐसा यहाँ पर कई बार होता है। शोनी भी विंडो में से चिल्ला रही होती है और हेल्प के लिए कहती है। जियोंग इसे घर के बाहर ही होता है और ये भी चिल्ला रहा था। अगले से वोनियों को देखते हैं जो शॉप में होता है, लेकिन तब भी अब जियोंग आ गई थी साथ में बैग को लेकर आती है। वोनियंग इसे कह रहा था तुम्हें क्या चाहिए, जियोंग पहले कुछ नहीं कहती और आसपास देखती है और बाद में यह कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। वोनियंग कहता है कि मुझे नहीं पता है, तुम मुझे बता दो कि तुम क्या ढूंढ रही हो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। हम यहाँ पर वोनियंग के बैग को देखते हैं, ब्लड इसमें से बाहर आ रहा होता है। अगले सीन में एक आदमी आता है और वोनियंग से कह रहा होता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ। वोनियंग कहता है तुम कौन हो, आदमी कहता है कि मैं पुलिस के साथ हूँ। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था, अब मिलेंगे एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय।